गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रिव्यू और डेमो एक टूल का, जो कि है नोवा 5-in-1 फेस मसाजर। सो दिस इज द प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। ये एक कार्डबोर्ड पैकेज में आता है और इसको मैंने नायका से परचेस किया था। इसका एक्चुअल प्राइस है 999 bucks, बट ये मुझे मिला था 350 bucks में ऑन डिस्काउंट। नायका के अलावा ये पर्पल Amazon, Flipkart और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा कर के इसको चेक कर सकते हो। ओके, चलिए अब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये एक बेसिकली फेस मसाजर है, चाइना में इस प्रोडक्ट है ये, और इस पे फ्रंट में ही आपको दे रखा है, सभी इसके बारे में दे रखा है आपको कि कहाँ पे आपको सेल डालने हैं, कैसे ये चलता है, कौन कौन सी इसमें अटैचमेंट हैं। यहाँ साइड में सब इसकी इन्फो दे रखी है, आप देख सकते हो, सारी अटैचमेंट्स के बारे में बता रखा है। ओके, बेसिकली इसका नाम है 5-in-1 फेस मसाजर, क्योंकि इसके साथ आती है 5 अटैचमेंट्स। तो ये फेस क्लेंजर एक मसाजर है, इसके साथ 5 अलग अलग अटैचमेंट्स आती हैं। चलिए बारी बारी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ, ये है एक टूल। तो ये कुछ इस पे यहाँ पे सेल डलते हैं, अगर ये बंद कर जाए काम करना तो इट मीन इसमें न्यू सेल डालने पड़ेंगे आपको, तभी ये चलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करके, आई होप आपको साउंड सुन रहा हो, तो ऐसे ये ऑन हो जाता है। ओके, आप देख सकते हो ये ऑन है इस टाइम। ओके, इसके साथ जो फर्स्ट अटैचमेंट आती है वो है दिस क्रूड पॉलिश अटैचमेंट, आप देख सकते हो बहुत हार्ड है ये। तो ये फेस के लिए अगर आप यूज़ ना करो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि फेस पे आपको इतनी हार्ड टूल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो बेसिकली इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, अगर आपके फेस पे एक्सेस ब्लैक हेड्स हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही माइल्ड तरीके से। बट अगर आपकी क्रैक हील्स हैं तो आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये एक प्यूमिक स्टोन की तरह काम करता है, बट प्यूमिक स्टोन से थोड़ा कम ये काम करता है। प्यूमिक स्टोन बहुत अच्छे से काम करता है, ये उतना हार्ड नहीं है। तो आपकी हल्की फुल्की सी अगर क्रैक हील्स हो तो आप उनके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। आपको इसको ऐसे अटैच करना है एंड इसको ऑन करके ये ऐसे देखिए, यस, आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे, यस। ओके, सेकेंड अटैचमेंट की बात करते हैं। सेकेंड अटैचमेंट है मेरे पास ये मेकअप स्पंज, आप देख सकते हो, ये एक स्पंज है जो एक ब्यूटी ब्लेंडर होता है, ये उस टाइप का नहीं, बट जैसे पफ होते हैं जो हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ जैसे पफ मिलते हैं, ये उस तरह का एक मेकअप स्पंज है। तो आप इसको फाउंडेशन के लिए या फिर अपने मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसे ये भी चलेगा। ओके, मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने फ्रीडम का फाउंडेशन लिया है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ हैंड पे लेकर के मैं आपको दिखा देती हूँ। कितने अच्छे से देखिए इसको ब्लेंड कर रहा है ये, देख सकते हो, आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने ब्लेंड कर दिया है और बिल्कुल एकदम ग्लाइड कर दिया है आपकी स्किन पे। और अगर आपको ज़्यादा अच्छी फिनिश चाहिए, अगर आपको इससे ही अप्लाई करना है तो आप इसको थोड़ा सा वेट करके तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, थर्ड अटैचमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड अटैचमेंट है ये एक स्पंज है, दिस इज़ कॉल्ड लेटेक्स सॉफ्ट स्पंज, ये थर्ड अटैचमेंट है। तो इसको बेसिकली अपने आई एरिया के लिए और चीक एरिया के लिए उन्होंने दे रखा है, क्योंकि हमारा जो आई एरिया होता है, इंटर आई एरिया, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो वहाँ पे हम कोई भी हार्श या फिर कोई हार्ड टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आई अराउंड आई जो भी स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर आप अपने आई एरिया पे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, चाहे वो कोई क्लेंजर हो, तो आप इसको यूज़ करके उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हो, बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा आपके आई एरिया पे। ओके, मूव टू नेक्स्ट अटैचमेंट। नेक्स्ट अटैचमेंट है ये रोलिंग मसाजर, आप देख सकते हो, दिस इज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे ये रोलिंग बोल्स हैं इस पे, दीज आर द रोलिंग बोल्स। ये रोलिंग मसाजर है, ये आपके फेस के ब्लड सर्कुलेशन को हाई करने के लिए यूज किया जाता है।
आप कुछ भी, जैसे आप अपने फेस पे आपने क्लीन कर लिया है उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करके या फिर कोई भी फेस सीरम अप्लाई करके आप इसको फेस पे यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है इसको यूज करते टाइम, और आपके फेस के ब्लड सर्कुलेशन को ये हाई करता है। आप देख सकते हो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, 2 to 3 मिनट आप कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर फेस सीरम लगाने के बाद इसको यूज कर सकते हो, आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होगा। ओके, मूव टू फिफ्थ अटैचमेंट। फिफ्थ अटैचमेंट है ये सॉफ्ट ब्रश, दिस इज द फिफ्थ अटैचमेंट, देख सकते हो ऐसे। ये आपके फेस को क्लेंज करने के लिए यूज करा जाता है। आप कोई भी फेस वॉश अप्लाई करके या फिर फेस क्लेंजर, कोई क्लेंजिंग मिल्क अप्लाई करके फेस को 2 to 3 मिनट मसाज करके अपने फेस की सारी डेड स्किन निकाल सकते हो। फेस एकदम से रिफ्रेश हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा, जितनी भी डस्ट है आपकी स्किन में, जितना भी डस्ट गंग पूरे दिन का जो भी है आपकी स्किन पे चिपका हुआ डस्ट, वो सारा निकल जाएगा इससे। अगर आप इसको रोज नहीं यूज करना चाहते तो वीक में 2 to 3 days आप यूज कर सकते हो, उससे ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब मैं बता दूं कि बेसिकली इसका क्या काम है। ये आपकी फेस की स्किन को सॉफ्ट बनाता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। आप फेस वॉश यूज करते हो, अपनी फिंगर से उसको ऐसे रब करते हो, वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं करता फेस को जितने अच्छे से ये ब्रश क्लीन करता है। आप इसको यूज करके बहुत अच्छे से अपनी फेस मसाज कर सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन सॉफ्ट सपल बनेगी और इंस्टेंट ग्लो आएगा आपकी स्किन पे। तो बहुत ही अच्छा फेस मसाजर है, और 350 में अगर आपको ये 5 अटैचमेंट वाला फेस मसाजर मिल रहा है तो बहुत अच्छी डील है। आई थिंक आपको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए, मुझे तो अच्छा लगा ये। अगर आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप और भी इसमें फिलिप्स वगैरह बहुत सारे कंपनीज का और आता है, तो आप उसको लेकर के ट्राई कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप उस अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, तो उस अकॉर्डिंग आप लेकर के ट्राई कर सकते हो इसको, और इसको ट्राई करिए। उसके बाद मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में भी आपको ये कैसा लगा। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।